हमारे साथ में है करण रोहिरा और दुकर सर। दुकर सर क्या कहना चाहेंगे आज? करण रोहिरा तकरीबन एक साल पहले जो उन्होंने अन्य वाटप का प्रोग्राम शुरू किया था, तक 10 लोगों से शुरुआत की थी, आज देखा जाएगा तो आज 500 लोग यहां पर आके खाकर जाते हैं, तो कैसे क्या फील करते हैं, किस तरीके से आप इनको सपोर्ट करते हैं? एक तो करण रोहिरा को उनको धन्यवाद देना मिलता है, जो हिसाब से उसने फर्स्ट मई को चालू किया, तभी मैं पहला दिन भी आया फर्स्ट मई 2023, तभी से उसने चालू किया। थोड़ा इसमें अच्छे से बढ़ते बढ़ते उसका जो ये जो एफर्ट काम करने का और सबको खाना खिलाने का और एकदम क्लीन फूड भी जो आता है वो क्लीन सब है और उसको ऐसे ही आगे बढ़ना होता है। और जो भरत मेहरा का है ना, भरत मेहरा ना, हाँ, इनका उनको सपोर्ट है तो उस हिसाब से वो उनका अन्नदान का सेवा और सब गरीब आदमी लोग को मिलता है, सब लोग आते हैं। आज अपने कम से कम 250-300 आदमी हो गए तकरीबन पूरा यारी रोड में अगर देखा जाएगा तो आज करण रोहिरा जिसे जो युवा लोग हैं, जो आज सिर्फ हिंदू नहीं मुसलमानों के भी रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है वहाँ पर जाके वहाँ पर भी इफ्तारी का जब भी रोजा छुट्टा है तभी सब लोग अपना करंट रो रहा उधर गया यारी रोड पर जाके सबको खाना खिला रहा। कैसे क्या मैसेज रहता है क्या मतलब कि देखो ये अभी यंग है, उसने ऐसा ही आगे बढ़ना मांगता है, देश की सेवा करना मांगता है, मंदिर का तो करता ही है सुबह से शाम तक और ध्यान भी रखता है क्योंकि आज हमारा एज का हिसाब से हम उतना नहीं करते, मगर इसको आइंदा जो कुछ उसने किया है उसके लिए हमें उनको आज देश का वातावरण में अगर आप देखोगे तो काफ़ी हेट स्पीचेस वगैरह होते हैं, पर इसी बीच में करण रोहिरा जैसे जो हर धर्म के बीच में जाकर उनके साथ में खड़े रह कर जो वाटप करते, तो कैसे प्राउड फील करते हैं आप भी एक हिंदुस्तान होने के नाते फिर भी दूसरे धर्म की रिस्पेक्ट? अभी हिंदुस्तान में रहते तो वी आर ऑल हिंदू, बराबर है, अभी हम लोग जात पात में नहीं करते, वही सेवा कर रहे हैं कि उनका एक रोज़ है, हमारा मराठी का एक आदमी अलग रहता है, तो हर एक आदमी पारसी का भी होएगा, कोई क्रिश्चियन लोग आएगा, तो भी हम लोग ये अन्नदान कर रहे हैं और अब घरों घरों में जाके दिए है उधर में जो चावल विवल सब घरों घरों में झोपड़पट्टी में। सर आपने बातें तो बहुत अच्छी करी पर आजकल के जो युवा जो काफ़ी लोग भेज गए इनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो देखो कुछ भी लालच बता के वो भेज जाना नहीं होता है, अपना खुद का अपन पहले देख के अपना सही ढंग से सही रास्ते पे चलना होता है। जैसा करंट रो रहा आज मैं 1.5 साल से देख रहा हूँ, 1 साल से तो ये चालू किया, एक में से मतलब 1.5 साल से पहला भी वो अन्नदान कर रहा था पॉकेट के अंदर सब गरीब लोग को बच्चे लोग के लिए सब और इधर सब आदमी लोग आते जाते हैं, तो एक उसको एक ये मिला जगह मिल गई और वो कर रहे हैं। तो भाई क्या कहना चाहिए करण भाई? बिना मंदिर के सपोर्ट के और भरत मेहरा सर के सपोर्ट के मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता था। भरत मेहरा सर ने अपना भरोसा दिखाया कि तू कर सकता है, तो उस चीज़ को मैं चाहता हूँ कि 200% दूँ और आगे भी अन्न सेवा चलती रहे, यही मेरा मेरी प्रार्थना है रब से और एट लास्ट तो रब राजी तो सब राजी। काफ़ी लोगों ने खराब करने की कोशिश की, खराब हुआ नहीं है, पर आप जैसे युवा उसको एक बार बचाते हैं, दूसरे लोगों के साथ में खड़े रह के वाटप करते हैं, दूसरे धर्म को लेके चलते हैं, तो कैसे फील करते हो? मेरे धर्म ने मुझे यही सिखाया है कि सेवा भाव रखो, सेवा करो हर किसी की, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई, जो भी हो, हम हिंदुस्तान में हैं, हमको सबकी सेवा करनी है। और एक बात, मैं जिनको मेरे गुरु साई मैं जिनको मानता हूँ, उन्होंने भी उनके लाइफ में यही काम किया है सेवा भाव का, वही मैं चाहता हूँ कि मैं आगे करूँ और भरत मेरा सर का हाथ सर पे रहे, यही प्रार्थना है रब से और हम ये काम कंटिन्यू करते रहे। रमजान का महीना करण भाई दिन में मंदिर में और शाम में मस्जिद के बाहर हमेशा वाटप करते नजर आते। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा मधु बसील। मधु जी और आप? मेरा भी मधु सेठी। अच्छा दोनों मधु एक साथ है, ये है मधु 2.0। मधु जी क्या कहना चाहिए, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले अन्य वाटप जो यहाँ हो रहा था तो आप अपने हाथों से करण के साथ में जुड़कर यहाँ बांट रहे थे, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बहुत अच्छा लगता है, वी फील वेरी हैप्पी, करण हैज स्टार्टेड दिस एंड ही हैज एनकरेज्ड अस। इतना पीसफुल लगता है ना, दो लोगों की सेवा करके बहुत अच्छा, और करण ने जब से
स्टार्ट किया तो हम इतने खुश है ना, एवरी डे लगता है कि अपने टेंपल में फेस्टिवल हो रहा है, बहुत एंजॉय करते हैं। हमें तो पूरे यारी रोड पे फेस्टिवल नजर आता है, करण जो है वो दिन में मंदिर पे और शाम को करण जैसा इंसान नहीं हो सकता आजकल के। वी आर वेरी प्राउड कि हमारे बिल्डिंग में आके रहने लगे और हम सबको इतना अच्छा लग रहा है ना उनके साथ। करण जैसे युवाओं को देख के आप बाहर जो काफी युवा है उनको क्या मैसेज देना चाहिए? दे शुड ऑल्सो डू लाइक दिस, दे शुड ऑल्सो एनकरेज ऑल पीपल, इफ दे विल कम हियर दे वोंट गेट डिप्रेस, पॉजिटिव थिंकिंग आएगा, दे विल फील बेटर, दे कैन बिकम अ गुड ह्यूमन बींग। ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन करना चाहिए, मतलब अपने सब गरीब लोगों की हेल्प करनी चाहिए, उनको नाश्ता मिल जाता है इतने खुश हो जाते हैं ना ये लोग। तो अगर कोई भी अगर डोनेशन वगैरह या कुछ करना चाहता है या कोई भी चीज़ ऐसे कुछ करना चाहता है तो वो ज़रूर करण रोहिरा को अप्रोच करे। तकरीबन एक साल से हमने भी काफ़ी जगह पर इंटरव्यूज वगैरह लिया था पर करण को ऐसे ही काम करते हुए देखा, अपनी ईमानदारी और शिद्दत से जो भी उनके पास इकट्ठा होता था उन्होंने यारी रोड की एक मंदिर के पास एक छोटा सा फ्रिज लगा के वहाँ से शुरुआत की थी और आज देखा जाएगा तो तकरीबन 500 लोगों को क्या बोलना चाहेंगे आज यहाँ पर एक साल से जो अन्य वाटप का कार्य चल रहा है, करण रोहिरा जो इसको लेके चल रहे, पहले 10 लोग आते थे आज तकरीबन 500 लोग इसका आते और खाकर जाते, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? बोलेंगे सबको अच्छा नाश्ता मिलता है, सबको देता है चाय नाश्ता रोज देता है। मराठी में बोल दो। नहीं सगळ्यांना म्हणजे चांगलं करतात ते लोक, नाश्त्यापेक्षा सर्व पुरी भाजी असते का हे असतं सर्व चांगलं चांगलं असतं। गरीब लोकांना बिचाऱ्यांना भेटतो नाश्ता, काम करतात त्यांना येतात भेटते नाश्ता देवाच्या नावाने, तो भी बिचारा गरीबांना चांगलं करतो असा नाही का तो भी। आता किती लोक लय पब्लिक झाली, पहिलं कमी होतं आता लय पब्लिक झाले, आता अभी बहुत पब्लिक आता। हाँ करण सर बहुत अच्छा सबको अभी नाश्ता देता है, सबको अच्छा मिलता है, पहला 10 लोग आते थे अभी 50 लोग आते हैं, अभी अच्छा सब अच्छा, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, बहुत अच्छा हो रहा है। बेचारा गरीब लोग के लिए अच्छा करता है, वो अच्छा है उसका, भगवान उसको अच्छा करने दे, अच्छा करते हैं। हाँ श्रीकांत जी क्या कहना चाहेंगे आज तकरीबन एक साल से जो यहाँ पर जो काम चल रहा है दान वाटप का करण रोहिरा के तरफ से, मंदिरों के भी काम कर रहे कई और धर्मों के जो रमज़ान से रिलेटेड है उसको भी लेके करण रोहिरा जो काम कर रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहला करण भाई हमारा इतना अच्छा दोस्त है, ये हमारा एक सोसाइटी का मेंबर है, ये टेंपल का मेंबर है, ये अन्न सेवा उसने जो तरीके से शुरू किया, छोटे तरीके से शुरू किया, अभी इतना रोज एक एक दिन बढ़ते जा रहा है, दो सोसाइटी को हम वापस देना चाहता है, उसका जो खून में है ऑलरेडी, उनका खून में इतना है लोगों को सेवा करना है, मंदिर को सेवा करना है। करण भाई ऐसा मैं इतना इसको सपोर्ट करता हूँ, अभी दुनिया बोलेगा तो पूरा अंधेरी उसको सपोर्ट करना आ गया इधर। आप एक एक फंक्शन में गणपति हो, आपको हनुमान जयंती हो, कोई भी चीज़ में आप मंदिर आएंगे तो रोज़ ये अन्न सेवा सोमवार से शनिवार तक जो चल रहा है 11 बजे से 12 बजे तक, इसका इतना भीड़ हो जाता है, वो मन देके खुश इतना खुश हो जाता है, करण भाई को इतना सेवा कर रहा है। हम इतना रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप आगे आइए, करण भाई हमारा जो अन्न सेवा को और मदद कीजिए, रोज बढ़ाने के लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, करण भाई इतना खून डाल के उसको मेहनत कर रहे हैं, उसको आप उसको अच्छे तरीके से सपोर्ट करो, हमारा सपोर्ट हमेशा है। अभी इफ्तार पार्टी भी चल रहा है, उनका भी उधर सेवा चालू है रोज शाम को, एक महीने से उनका अभी शुरू चालू हो गया, तो अभी रोज उनका शाम को इफ्तार सेवा भी चालू है। आप इतना ये नहीं कर रहे हो उसका कर रहा है इसका कर रहा है, आप किसी का भी वो दिखते नहीं है, बट आप उसको लोगों को सेवा करने में उतरा हुआ है, वो उनको मदद कीजिए।